फाइल मंगा करके क्या किया जाता है। अब बाकी हमारे परमिंदर सिंह सेठी करें, मैं जीवन में पहली बार सुना, इतने इतने गंभीर व्यक्ति हैं, ये किसी के तर्क भी देते उसमें थोड़ी शक्ति होती है। कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अधिकार है कि सारी फाइल मंगा सकता है। मैंने किसी संविधान में सुनिए, किसी संविधान के किसी नियम में नहीं लिखा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर फाइल मंगा सकता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संविधान में है ही नहीं, ये पॉलिटिकल पद है मूल रूप से, वो जिस विभाग के मंत्री हैं अंततः वही मंत्री होते हैं। चलो, तो ये ऐसे ऐसे तर्क देना, मेरा कहना है कि अगर उन्होंने उन्होंने मंगाया, स्कैन करके मंगाओ, उसको देखो, उसको पढ़े, तो सारे चीजें ढूंढी जा रही है। बड़ी हास्यप्रद बात ये है, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो आपने किया है महाराज, कॉपी को कोई फाइल कॉपी में कैसे घपला हो सकता है? अरे ओरिजिनल फाइल तो उनके पास है। और एक बात सुनिए, सरकारी कागज में बताता हूँ ना कैसे घपला होगा। अरे सरकारी कागज में कोई घपला नहीं होता। अरे सुन लीजिए कैसे घपला होगा, आपका मर्डर, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है सर। अरे सुनिए ना, आपका मर्डर मुझे कराना है ना, तो आपका पहले फोटो मंगाएंगे, आपके घर की तस्वीर मंगाएंगे, आपकी गाड़ी की तस्वीर मंगाएंगे, उस क्रिमिनल को देंगे कि ये आदमी ऐसे ऐसे निकलता है, इसको गोली मार दो। उसी प्रकार से वो पहले स्कैन कॉपी मंगाई जाएगी कि ये स्कैन कॉपी में कैसे फलाने फलाने जगह कैसे घपला हो सकता है। अरे सुनिए, स्कैन दिया जाएगा किसी को, पत्रकार भाई आप स्कैन कॉपी में कैसे चेंजेस कर, बता तो दिया कैसे किया जा सकता है। आप मेरी बात सुनिए, अगर कोई आरोपी भी है कानूनी तौर पर उसको पूरी फाइल, अच्छा आप जरा एक है पढ़ने का एक बात तो चाहिए ना, अगर वो आरोपी है, सुनिए तो परमिंदर जी एक मिनट हिमानी में, हाँ ठीक है दे दूं फिर। ऐसा है कि अगर कोई गवाही भी देनी होती है तो गवाह को केस का जो है, आप तो खुद जानते हैं, उसको स्कैन या फोटो मांग के पढ़ा दिया था कि ये केस है, ये परलोड ऐसे ही बोलना, तो ये स्कैन कॉपी के बहुत सारे हजारों उपयोग हैं। अगर मन में चोर नहीं हो, अपनी गलती नहीं हो, तो उसको मंगाने जो नीति उन्होंने बनाई है उसकी फाइल वो पढ़ना चाहिए। अरे भैया आप पढ़ने की एक बड़े अपराध और पाप को कैसे अपने कुतर्कों से बचाने की कोशिश अपने अपने आप को इस चीज को, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है ना परमिंदर जी, परमिंदर जी घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पूछताछ के लिए आपको बुलाया गया, तमाम वो चीजें हुई जिसमें आपने कहा कि कुछ नहीं मिला, तो मतलब उसमें भी आपको ये आप कह रहे हैं कि ये प्रिविलेज होनी चाहिए कि भैया जो जांच आपके खिलाफ चल रही है वो फाइल आप मंगवाए, लॉक कर दिया होगा वो फाइल, आप अगर सीबीआई ने उस फाइल को लॉक कर दिया होता तो सीएम भी नहीं मंगा पाते। उन्होंने कानूनी अधिकार के चलते उन फाइल को मंगाया, इसमें क्या है, और ऑफिशियली मंगाया, ये थोड़ी चोरी करके थोड़ी लाए, रात को दराज खोल के थोड़ी लाए। सर सर सुनिए, ऑर्डर तब देना पड़ता है लिखित रूप में जब जो गैर लिखित ऑर्डर को नहीं माना जाता है, या ऐसे थोड़े हुआ ऑफिशियल कोशिश की गई। सुनिए सुन लीजिए, देश को सुनने दीजिए, आपको भी पता है कि सच क्या है, दोनों लोगों को पता है, आपको भी पहले कोशिश की गई कि भैया बैकडोर से ले लो, उस अफसर को मना लो, उस विभाग के क्लर्क को, सेक्शन ऑफिसर को मना लो, वो दे देगा, अरे वो क्यों नहीं दे रहा है रे भाई, उसको जुगाड़ लगा, अच्छा अंत में वो किसी उपाय से नहीं दे रहा है, तो भाई हमारा ये विभाग कर सकता, हमको देखने कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो ये लास्ट ऑप्शन यूज हुआ है, ये लास्ट ऑप्शन यूज हुआ है, और लास्ट ऑप्शन तब आदमी यूज करता है जब वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। पढ़ने के लिए फाइल मंगाइए सर, इसमें कौन सा इशू है, उसमें कौन सा इशू, कॉपी है, वो भी कॉपी है।